चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। काशीपुर पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर कई विभागों के कर्मचारी तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार की हठधर्मिता पर रोष जताया, साथ ही मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी। बुधवार को उत्तराखंड जनरल ओबीसी कर्मचारी संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर तहसील परिसर में होली के अगले दिन कर्मचारी पुनः एकत्र हुए, जहां कर्मचारियों ने पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने की मांग को लेकर धरना शुरू किया। इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी धरने पर बैठे। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 7 फरवरी 2020 को प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर न्यायालय के आदेशों का पालन न करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करेगी तो कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए बातें होंगे। बाइट ब्रजेश शर्मा, अध्यक्ष जनरल ओबीसी कर्मचारी संघ काशीपुर। बाइट हेमा कांत, की हमारी 2 तारीख से ही हड़ताल चल रही है। एक प्रमोशन पे आरक्षण खत्म करना है और आगे जैसे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष का निर्देश मिलेगा वैसे ही हड़ताल आगे बढ़ती रहेगी और उनके ही निर्देश अनुसार पालन किया जाएगा। केवल हमारा ही मुद्दा है कि जो आरक्षण खत्म किया जाए पदोन्नति, उसी के लिए ये आरक्षण चल रहा है और उसी पे हम लोग यहाँ पे जमीन पे बैठे हैं। सरकार मानेगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और सरकार मानेगी, मजबूर होकर सरकार को मानना पड़ेगा हम लोगों की बातों। हम लोग जो है इस समय यहाँ पर जो हड़ताल में बैठे हैं वो आरक्षण को, जो हमारा पदोन्नति में आरक्षण है उसको लेकर के बैठे हुए हैं और ये आरक्षण खत्म होना चाहिए क्योंकि दोहरा लाभ नहीं दिया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो जब एक बार एक लाभ हम नियुक्ति के समय दिया जाता है तो आरक्षण में इस लाभ को खत्म होना चाहिए। और इसके विषय में जब लड़ाई हो चुकी है और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया है तो उसके बाद तो सरकार को इसको फैसला लेना चाहिए कि उसे इसे तुरंत लागू करना चाहिए कि उन्हें ये जो है आरक्षण पदोन्नति से हटाना चाहिए। और लंबा समय हो गया है, हम लोग काफ़ी इंतजार करते रहे, काफ़ी समय भी मौका दिया गया कि वो जो है इस मुद्दे पर विचार करें, परंतु अभी तक उन्होंने कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया है जिससे हम लोग व्यथित होकर जो है हम लोगों को आज यहाँ धरने पे बैठना पड़ा है। ये कि रणनीति यही है, हम जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया है उसको माने और जो है निर्णय पर विचार करें। और जैसे जैसे हमारे जो अध्यक्ष महोदय जनरल ओबीसी के हैं उनका जो निर्णय होगा, जैसे वो आगे को कार्यक्रम रैली के माध्यम से या जो भी हमारी हड़ताल की जो भी मांगे होंगी वो उसको लेते हुए हम आगे को बढ़ते रहेंगे।